हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन। आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि कल मैंने जो ऑप्शन फॉर्म्स जो अपलोड किया था सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उसमें बहुत ही बच्चों ने जो काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो उस क्वेश्चन का मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से मैं चार पांच जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने पूछा कि सर हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है यस, आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर सकते हैं। जब ऑप्शन फॉर्म में आपको जो है तीन ऑप्शंस आए थे, लैपटॉप जो है, आईपैड और ये सारे ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिलेक्ट नहीं करना है। डायरेक्टली नीचे पूछता है कि मोबाइल फोन है या नहीं, तो मोबाइल फोन की सीरीज जो जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उस तरीके से आपने उसको भरना है और भर के आगे बढ़ना है। और इसके अंदर कोई भी चीजें नहीं, अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार उसको जो है रीचेक कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर हमको जो है किस तरह से जो है एग्जाम फॉर्म्स ऑनलाइन और ऑफलाइन सबको भरना है क्या? पूरे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है भरना। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन, या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन। तीसरा क्वेश्चन ये चल के आ रहा था कि सर हम लोग अगर ऑप्शन फॉर्म भरते हैं और भरने के बाद ऑफलाइन अगर भरते हैं तो ऑफलाइन किस तरह से एग्जाम्स होंगी? तो ऑफलाइन एग्जाम्स, इसके पहले हमने बताया थी ओएमआर शीट, जो अपने 12th स्टैंडर्ड में जो नीट और जेईई के लिए एग्जाम्स के लिए जिस तरह से ओएमआर शीट आपने भरा था उसी तरह का एग्जाम्स होगा। वो कंडक्ट करवाएंगे एमकेसीएल या जो है एमएससीआईटी के सेंटर्स में होगा, और उसका शेड्यूल कब रहेगा तो वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के शेड्यूल से आपको वो मैच करना पड़ेगा। वो आपको जो है इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सर हम जो है किसी का जो है ऑब्जेक्ट इसमें जो है नहीं आ रहा था एग्जाम्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो जो बच्चे बैकलॉग के हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट के, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन फॉर्म है, ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन वाला ऑप्शन फॉर्म, बाकी बच्चों के लिए ये फॉर्म नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमारा एग्जाम्स देते देते हम अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और अगर हमारा नेटवर्क चला जाता है तो क्या हमारा एग्जामिनेशन का टाइम जो है कंसीडर होगा जब नेटवर्क वापस आएगा? या समझ लीजिए कभी हमारा फोन बज गया, कभी आपका फोन आ गया एग्जाम्स के ड्यूरिंग में, फिर उसका जो है लॉगिन आपका निकल गया तो क्या होगा? तो यस, इसका क्वेश्चन ये है कि जब आप फिर से उसको रीलॉगिन करेंगे, रीओपन करेंगे, तो उसके बाद जो है आपका टाइम वापस स्टॉप होगा और जब आप लॉगिन करेंगे वो टाइम वापस से स्टार्ट होगा। तो आपका टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट होने वाला नहीं है। तो एहतियात ये रखना है कि मोबाइल को आपने जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रख देना है और जो है नेटवर्क में जाके बैठना है जितने देर आपका एक घंटा एग्जाम्स होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में, तो डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट, स्टे काम एंड स्टे यू नो, आप इस तरह से रहिए कि आपका जो है ये नॉर्मल फेज है, आप ज्यादा पैनिक न होने की कोई जरूरत नहीं है। और जल्द से जल्द ये ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए और अपलोड कीजिए। आगे की मालूमात के लिए चैनल मेरे जो है देखते रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।